Assalamualaikum, मैं मोहम्मद अकरम खोसो आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से फोर एशियन टाइगर्स द टाइगर्स ऑफ एशिया हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था एशियन टाइगर्स के बारे में फोर एशियन टाइगर्स टाइगर कब कंट्रीज या टाइगर कब इकनॉमीज पैसिफिक पमाज इकनॉमिक डेवलपमेंट के वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के वजह से इन कंट्रीज़ के ऊपर इन एरियाज़ के ऊपर ये नाम रखे गए हैं ये टाइटल्स रखे गए हैं फोरेशन टाइगर्स साउथ कोरिया सिंगापुर ताइवान और हांगकॉन्ग दीज फोर आर नोन एज दी फोर एशियन टाइगर्स याद कीजिएगा साउथ कोरिया ताइवान और हांगकॉन्ग ये तीनों फार ईस्ट यानी कि ईस्ट एशिया में लोकेटेड हैं और जो सिंगापुर है ये साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ है साउथ कोरिया और सिंगापुर ये दोनों इंडिपेंडेंट और सावरन कंट्रीज हैं और ताइवान और हांगकांग ये दुनिया में ख़ुद मुख्तार यानी कि इंडिपेंडेंट और सावरन कंट्रीज नहीं हैं हालांकि जो चाइना है चाइना क्लेम्स दैट तयवान इज़ द पार्ट ऑफ चाइना लेकिन जो ताइवान है वो क्लेम करता है कि नहीं वो ख़ुद मुख्तियार कंट्री है लेकिन आज तक ताइवान दुनिया के अंदर एक आज़ाद मुल्क नहीं है हांगकांग हांगकांग जो है इट वॉज़ गिवन टू चाइना बाय द यू के इन नाइनटी सेवन और यह एग्रीमेंट हुआ था मददा हुआ था वन कंट्री टू सिस्टम के तहत यानी कि पचास साल ट्वेंटी फोटी सेवन तक हांगकांग में और चाइना के अंदर दो डिफरेंट वहां पर लाज फॉलो किए जाएंगे ये तो वैसे हिस्सा है हांगकांग चीन का लेकिन यहाँ इनके अपने रूल्स होंगे 50 साल तक 47 तक उसके बाद हांगकांग मुकम्मल तरह से चीन का हिस्सा बन जाएगा तो मैंने कहा कि यहाँ ख़ास तौर पे जो नाइनटीन में नाइनटीन और नाइन्टीज़ में जब यहाँ डेवलपमेंट हुआ आ, माशी तरक्की इकनॉमिक डेवलपमेंट एंड द रेडिकेशन ऑफ सोशल इकनॉमिक प्रॉब्लम और इवेल्स जैसे कि पावर्टी है अनएम्प्लॉयमेंट चाहे लेबर इिट्रेसी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं इन एरियाज में से और यहाँ पर काफ़ी तरक्की है तो इन जो हैं चार साउथ कोरिया सिंगापुर ताइवान और हांगकांग ने फास्टली ख़ुद को डेवलप किया है इसलिए इनको कहते हैं दी टाइगर्स ऑफ एशिया आर दी फोर एशियन टाइगर्स टाइगर फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके बाद क्या है टाइगर कब इकोमीज कब का मतलब है कि छोटा बच्चा, टाइगर का जो शेर का बच्चा है उसको हम कहते हैं कब टाइगर कब कंट्रीज या टाइगर कब इकोनॉमीज ये पांच कंट्रीज इंडोनेशिया मलेशिया थाईलैंड, वेटनाम और फिलिपाइनी यह साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है और इन कंट्रीज़ ने ख़ुद को जल्दी फास्टली डेवलप किया है हालांकि ये इतने तरक्याफ़्ता नहीं हैं जिस तरह साउथ कोरिया है सिंगापुर ताइवान और हांगकांग है जो कि एशियन टाइगर्स हैं लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने ख़ुद को जो है वो डेवलप किया है दया दीज आर नॉन एज़ टाइगर कब कंट्रीज़ यानी कि टाइगर तो नहीं है लेकिन उनका बच्चे उनके बच्चे ज़रूर हैं ये तो उनको जो है वो कब का टाइटल मिला है तो ये इंडोनेशिया है मलेशिया है थाईलैंड वियतनाम और फिलपा और काफ़ी सपोर्ट किया है टाइगर कब कंट्रीज को फोर एशियन टाइगर्स ने ट्रेड के वजह से जो है साउथ कोरिया और सिंगापुर ने काफी सपोर्ट किया ये पांच कंट्रीज को और याद कीजिएगा ये जो पांच कंट्रीज हैं टाइगर कब इकोनॉमीज दे आर द मेम्बर्स ऑफ आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसमें कुल मिलाकर दस कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के तो ये जो पाँच हैं ये भी मेंबर्स हैं आसियान के और मेरे ख्याल में जो आसियान है वो एशिया का एक फास्टली जो है डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है बहुत काम किया है आसियान ने वहाँ पर तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ इंडोनेशिया में मलेशिया में वियतनाम और फिलिपाइनज़ के अंदर देफो दीज़ आर नॉन एज टाइगर कब कंट्रीज और दी टाइगर कब इकनिज उसके बाद क्या है ये चार कंट्रीज पैसिफिक पमास ये चार जो हैं अच्छा पैसिफिक पमाज क्या है एक्चुअली पमाज जो है एक जानवर है एक एनिमल है लाइक टाइगर बट इट इज़ स्मॉलर देन टाइगर इन साइज तो ये जो चार कंट्रीज़ हैं ये पैसिफिक के बिल्कुल ईस्ट में लोकेटेड हैं मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में वाकई है और कोलंबिया पेरू और चिली थ्री आर लोकेटेड इन साउथ अमेरिका तो ये चारों के साथ पैसेफिक का बाउंड्री लगता है और इवन जो ये चार जो फोर एशियन टाइगर्स हैं दे आर टू देस्ट ऑफ द पैसेफिक ओशन तो ये जो बिल्कुल है बिल्कुल ईस्ट में है पैसेफिक के और यहाँ पर काफी डेवलपमेंट है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन साइंस हेल्थ टेक्नोलॉजी जो मैक्सिको है इट इज़ दी नेबरिंग कंट्री ऑफ द यू एस ए उसके बाद ये कोलम्बिया है पेरू और चिली ये साउथ अमरीका के अगर देखा जाए वैसे तो अर्जेंटाइन और ब्राज़ील वो जो हैं काफ़ी आगे निकल चुके हैं साउथ अमेरिका के अंदर लेकिन ये जो हैं मैक्सिको कोलंबिया पेरू और चिली काफ़ी इन्होंने ख़ुद को डेवलप किया है वहाँ पर इकनॉमिक डेवलपमेंट ये कैसे पॉसिबल हुआ ख़ास तौर पर दो हज़ार बारह में यहाँ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था दसिफिक अलाइंस इन ट्वेंटी ट्वेल्व तो यहाँ काफ़ी इन्होंने जो है वो बालेट्रल ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं इन्होंने काफ़ी जो है अपने ट्रेड वॉल्यूम को इनक्रीज़ किया है तो जब यहाँ इकनॉमिक डेवलप डेवलपमेंट वन कंट्रीज के अंदर दे आर नोन एज दी पैसिफिक पोमाज तो ये जो टर्म्स हैं जो वर्ड्स हैं इनको आप लाजमी यूज कीजिएगा कि द टाइगर्स ऑफ एशिया कौन से कंट्रीज हैं यानी कि साउथ कोरिया है सिंगापुर ताइवान और हांगकांग है उसके बाद जो आ, टाइगर कब इकनॉमीज़ हैं यानी कि जो कब छोटा बच्चा है टाइगर का वही हम पांच कंट्रीज़ को कहते हैं इंडोनेशिया मलेशिया थाईलैंड वेटनाम और फिलपाइंस को हम कहते हैं दी टाइगर कब इकनॉमीज़ और टाइगर कब कंट्रीज़ उसके बाद जो मैंने कहा कि जो ये चार कंट्रीज हैं मैक्सिको कोलंबिया पीरू और चिल्ली दे आर कॉल्ड पैस कमाज बिकॉज ऑफ देयर इकनॉमिक डेवलपमेंट ये जो हमारा टॉपिक है आज का ये आपको न सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए या आई के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारा लेकिन मेरे ख्याल में जो ऐसे आते हैं कोई तीन या चार ऐसे याद कीजिएगा हर साल तीन या चार ऐसे आई आर से आते हैं करंट अफेयर से आते हैं और ये जो टाइटल्स दिए गए यहां पर फोरेशन टाइगर टाइगर कब और और पमाज़ ये आप यूज कर सकते हैं चाहे वो करंट अफेयर्स के अंदर या आईआर के अंदर या इकनॉमिक के या इकनॉमिक के हवाले से अगर कोई सवाल आ जाए तो वहाँ भी इनको आप यूज़ कर सकते हैं उसके बाद अगर कोई ऐसे आ जाए तो वहाँ भी इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो कैसे जब मैंने 2016 में मैंने एक जो है ऐसे किया था कि डज़ फारेन एड हेल्प To तो अच्छी इकनॉमिक स्टेबिलिटी तो यहाँ मैंने उसका रेफरेंस दिया था दौर एशियन टाइगर्स का उसके अंदर तो काफ़ी आपको ये सपोर्ट करेंगे इवन मैंने कहा कि ऐसे है या आई के अंदर या इवन करंट अफेयर्स के अंदर या पॉलिटिकल साइंस के अंदर वावास के अंदर भी तो ये टर्म्स को हम लाजमी यूज़ करें कि टाइगर्स ऑफ एशिया कौन से कंट्रीज़ हैं और ये कहाँ पर वाक़ हैं और टाइगर कब कंट्रीज़ कौन से हैं देर आर सो साल टाइगर कब इकनॉमीज़ और पैसिफिक पैसफिकमाज हम किन कंट्रीज़ को कहते हैं तो ये जो टाइटल्स हैं या जो ये नाम रखे गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह के यू नो इन, इनके अलावा कुछ और भी जोग्राफ़ी के लिहाज से कुछ टाइटल्स होते हैं ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ होते हैं उनको भी आप लाजम याद कीजिएगा सपोज कैसे बाल्टिक स्टेट्स कौन से हैं जिस तरह जो है वो एस्टोनिया है लेटवा है लेथोनिया है यूरोप के अंदर या बाल्कन कंट्रीज़ कौन से हैं जो साउथ यूरोप है यहाँ पर ग्रीस मैसेडोनिया सरेबिया अल्बानिया मॉन्टी बोस्ना बोसना हरसगवना रोमानिया, रोमान्या दे आर कॉल्ड बाल्कन कंट्रीज़ उसके बाद एसकडी कंट्रीज़ कौन से हैं यानी कि नॉर्वे फिनलैंड या जो है आ, स्वीडन डिमार्क और आइसलैंड या कॉल्ड स्कंड कंट्रीज़ तो ये जो टाइटल्स हैं ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के ये आप लाजमी याद करें आपको बहुत सपोर्ट करेंगे ये मैंने कहा करंट अफेयर्स हो या आईआर हो इवन जो है आपके ऐसे के अंदर भी ये आप काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं तो आज का हमारा ये टॉपिक है मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का हमारा लेक्चर आज का हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट साबित होगा थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, योर लव योर अफेक्शन थैंक यू सो मच स्टेबलिस्ट, अल्लाह हाफिज